बात करेंगे टॉप थ्री पिक्स, टॉप थ्री जूसेस जो आपको सुबह उठने के बाद पानी के साथ लेने लेने जरूर लेने चाहिए। हमारे पास है, मैंने कहा तीन चीजें, तो सबसे पहली भाई पिक है ये मेरी, ठीक है, दिखाता हूँ, टेंशन मतलब, ये है हमारी दूसरी पिक और ये है हमारी तीसरी। तो ठीक है, सबसे पहले है मेरे पास आंवला जूस, दूसरा है मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर, एंड तीसरा क्या है ये बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यार एप्पल साइडर विनेगर की और आंवला जूस की, इन दोनों को मैं एक साथ बात करता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों के फायदे क्वाइट सिमिलर है। ठीक है यार, अब देखो, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उठने के बाद आप गर्म पानी लो एक ग्लास में, और उसके बाद दो तीन चम्मच या तो एप्पल साइडर विनेगर डाल लो या फिर आंवला जूस डाल लो, दो तीन चम्मच, दोनों में से कोई भी एक चीज। क्यों? क्योंकि देखो यार, जब हम दिन भर में हम जितनी भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं ना, मैक्सिमम चीज़ें जो होती है वो होती है एसिडिक, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल जो भी चीज़ें आप खाते हो, अब वो चीज़ होती है एसिडिक। हमारी बॉडी का पीएच कितना है? 7.34 या 7.4 कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो है अल्कलाइन, दिन भर में हमने जो कुछ भी खाया वो है एसिडिक। तो ये चीज़ जब आप सुबह लेते हो तो आपकी बॉडी क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, आपकी बॉडी में एसिड जमा हो गया। एसिड जमा हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है यार? एसिड जमा होगा तो इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी में एच प्लस आयन ज़्यादा जमा हो गए, जिसके कारण आपको फटीग हो सकता है, आपको आप लिथार्जिक फील करोगे। तो अगर आप दिन भर एक्टिव रहना चाहते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें मस्ट है, मतलब इनमें से आप कोई भी चीज़ ले सकते हो। और स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूँ आंवला जूस की, तो जो भी लोग यार आजकल देखा है आप लोगों ने कि बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं तो वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं ताकि वो उनकी बॉडी अच्छी खासी टोनअप हो जाए, उनका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो और उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। तो मैं यार जो भी लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेते हैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आंवला जूस लें, उससे बेटर, क्योंकि ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। तो यार वहाँ कहाँ आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा ये 40-50 रुपये का, 100 रुपये का खरीद लो, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो जब आप जिम जा रहे हैं उसके पहले अगर आप ये पी लेते हैं एक घंटा पहले या आधा एक दो घंटे पहले, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। और राइट, तो यार इनके बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप सुबह ले रहे हैं तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, इसमें बहुत सारे विटामिंस हैं, मिनरल्स हैं, तो वो भी आपकी बॉडी का जितना न्यूट्रिशन है एटलीस्ट ये उसका 10% न्यूट्रिशन, जो मिनरल्स का न्यूट्रिशन चाहिए हमको, जो विटामिंस का न्यूट्रिशन चाहिए, वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगा, आप दिन भर एक्टिव फील करेंगे। ऑल राइट, इनको करते हैं साइड में। अब बात करते हैं एक बहुत 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 ही खास चीज़ यार, ये है, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यह है हमारे पास गोधन अर्क। पता है कुछ दिनों पहले एक चीज़ वायरल हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि एक जो डॉक्टर है उन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया और उसमें उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ मिला दी, तो उसका कलर चेंज हो गया, वो वाटर था, कलरलेस वाटर था, अब उसमें उन्होंने दवाई मिलाई तो क्या हो गया कि वो कलरफुल हो गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसमें एक चम्मच ये गोधन अर्क डाला, वो वाटर फिर से ट्रांसपेरेंट हो गया, फिर से जैसा अपने कलर में रहता है वाटर ट्रांसपेरेंट, वैसा वो वाटर हो गया। तो यार इससे हमको मुझे एक चीज़ जानने को मिली, हालांकि ये चीज़ मुझे पहले भी पता थी, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट देके और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखो होता क्या है कि आजकल हम जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं मार्केट में, मैक्सिमम चीज़ें जो अवेलेबल है, आप कहते हैं कि फ्रूट्स बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप कहते हैं कि दूध बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन आप देखो, आप जानते हो कि दूध में गाय को इंजेक्शन देके बनाया जा रहा है, और फ्रूट्स को पकाया जा रहा है केमिकल्स के तौर पे, गेहूं, अनाज, ये जो कुछ भी हम खाते हैं तो वहाँ पे क्या डाला जा रहा है, इंसेक्टिसाइड डाला जा रहा है, पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो एक जहर है, और वो जहर हम खा रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, हम लेकर आते हैं, उसको पॉलिश किया जाता है और फिर हम आके उसको घर पे भी धोते हैं, लेकिन क्या वो पूरा जहर निकल जाएगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टिकल तो उसमें रह ही जाते हैं, और इतनी आइडियली कोई साफ भी नहीं करता उस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं हम वो खा रहे हैं, और वो खा रहे हैं धीरे धीरे, वो जहर थोड़ा थोड़ा जहर 0.1% या 0.001% वो जहर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आपने फिर सुना होगा कि यार कई दफ़ा हम कहते हैं ना, अरे यार वो तो शर्मा जी अच्छे अच्छे थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया उनको, हार्ट अटैक आया और वो चले गए। तो कहीं ना कहीं ये जो अचानक से चीज़ें होती हैं ना, अरे यार अचानक से खुजली हो रही है, अचानक से ये हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है, वो कहीं ना कहीं अगर वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ है तो वो कहीं ना कहीं से निकल कर आएगा बाहर सामने, आपको खुजली हो सकती है, आपको कुछ हो सकता है, आपको खुदा ना खास्ता कोई फैटल डिसीज़ हो जाए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार जो भी लोग
स्वस्थ रहना चाहते हैं, लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यार वो ये ज़रूर लें, हफ्ते में एक बार यार ज़रूर लो। भले आपको पसंद ना हो, भले आपको बहुत घिन आती हो, मुझे भी पहले बहुत घिन आती थी, लेकिन जो चीज़ अच्छी है यार उसको ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करो। तो हफ्ते भर में एक बार यार ज़रूर इसको लो। इसका भी सेम है रूटीन यार, एक दो चम्मच ये लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसको पी गया, उसके ऊपर से हम पानी पी गए, तो इससे क्या होगा कि यार हमारी बॉडी में जो भी केमिकल्स एक्यूमुलेट हो गए हैं या जो भी फॉरेन मटेरियल्स जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं है, जिसके कारण हमारी बॉडी की एफिशिएंसी ख़त्म होते जा रही है, कम होते जा रही है, तो ये उसके इफेक्ट को कम कर देगा। एंड यार फ़ायदे तो बहुत हैं इसके, ये तो मैंने सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ायदा आपको बताया, तो आप ज़रूर लीजिए, एंड बिलीव मी ये बहुत काम करते हैं। तो यार आप शेड्यूल बना लो कि यार मैं मंडे को ये लूँगा, ट्यूसडे को ये लूँगा, फ्राइडे को ये लूँगा, तो इस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना लो तो बहुत मज़ा आ जाएगा आपका दिन भर। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, आप फटीग लेस फील करेंगे, आपकी बॉडी के जो सिस्टम से वो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेंगे। ऑल राइट, वैसे तो फ़ायदे बहुत सारे मार्केट में, और भी बहुत सारे जूस हैं, जैसे कि ज्वारी का जूस है आप वो भी ले सकते हो, कैरेट का जूस है वो भी ले सकते हो, बट दीज आर माई टॉप 3 पिक्स। यो, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, माय नेम इज सौरभ।